हम सब हमेशा बात करते हैं कि शनि की 7.5 आ गई है, शनि की ढैया आ गई है, शनि की महादशा आ गई है, शनि की अंतरदशा आ गई है, जिससे कि हमें अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो चलिए आज हम पता करते हैं कि शनि की 7.5 को हम कैसे देखते हैं, कि शनि की 7.5 अभी हमारे पे चल रही है या नहीं चल रही है, किस तरह से पता चलता है। देखिए, जो लगन कुंडली होती है जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं, D1 चार्ट में उस समय के ग्रह होते हैं जिस समय आपका जन्म हुआ होता है, और आज का समय, वर्तमान समय, प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रह कौन से घर में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिट यानी कि गोचर। शनि की 7.5 देखने के लिए हमें प्रेजेंट में यानी कि आज के समय में शनि कहाँ पर बैठे हैं और जन्म के समय में चंद्रमा कहाँ पे थे, ये चीजें देखनी होती हैं। जैसे कि अभी जो है शनि अपनी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि में। जिस किसी भी के भी चार्ट में जन्म के समय में चंद्रमा कुंभ राशि से एक घर आगे या पीछे होगा तो वो आपकी 7.5 कहलाती है, आपको शनि की 7.5 आ गई है। इस तरह से हम देखते हैं शनि की 7.5 को। अब बात करते हैं शनि की ढैया के बारे में। जन्म लगन चार्ट में आपका शनि कहाँ पर है, शनि की ढैया देखने के लिए, जैसे कि आज प्रेजेंट, आज वर्तमान समय में शनि, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि कौन से घर में बैठी हुई है आपको वो देखना होगा सबसे पहले। फिर उस घर से आपको काउंटिंग करनी शुरू होगी 6 नंबर, यानी कि शनि अगर 12वें घर में बैठे हुए हैं अपनी कुंभ राशि में और आप 12वें घर से काउंटिंग शुरू करेंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो 5 नंबर के घर में जो राशि बैठी होगी, एक तो उस पर शनि की ढैया आ जाएगी, और इसी तरह से आप काउंटिंग करेंगे 10 नंबर के घर तक के लिए, और जो 10 नंबर के घर पे राशि बैठी होगी उस पर भी शनि की ढैया चल रही होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं शनि की 7.5 और शनि की ढैया। देखिए, जरूरी नहीं होता कि शनि की 7.5 हर किसी की खराब ही जाएगी, शनि की ढैया है तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं होता। ये हमने सिर्फ अपने मन में एक सोच बना ली है, एक मिथ हो गया है। शनि की ढैया या शनि की 7.5 आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, ये आपके पूरे चार्ट को एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है। अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, शनि की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देंगी। आपके जीवन में अचानक से बदलाव आएंगे और आपके लिए नए से नए अवसर पैदा होंगे ताकि आप अपने जीवन के उच्च स्तर पर पहुंच पाएं। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी यहीं तक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।